रितिका, अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं, क्या आपको लगता है कि यू नो 21st सेंचुरी की जो लाइफ स्किल्स में सेक्स एजुकेशन को हमें शामिल करना चाहिए, क्या ये अवेलेबल होना चाहिए बच्चों के लिए? तो सबसे पहले ये चीज है कि हमारी हम 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स, 21वीं शताब्दी की जो हम जीवन कौशल की बात करते हैं, तो वो क्या है? यू नो, वी वुड टॉक अबाउट कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, वी वुड टॉक अबाउट एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग. क्या हम 21st सेंचुरी स्किल्स में ये चीज जान सकते हैं कि जिस माहौल में हम हैं, जो जिस सोसाइटी का हम हिस्सा हैं, वहां पे पितृसत्ता है, वहां पे हम पेट्रियार्की की जो हार्मफुल सोशल नॉर्म्स हैं उनको हमें क्वेश्चन करना है, वो क्यों जरूरी है, वो क्यों एक हमारे एक अच्छे और सुखद भविष्य के लिए, किसी भी बच्चे के लिए जरूरी है? क्योंकि अकेडमिक सब्जेक्ट्स आपको डेफिनेटली आपको प्रोफेशनली सक्सेसफुल बना देंगे, लेकिन अगर आपके पास वो लाइफ स्किल्स नहीं होंगी जो एक अच्छे रिश्ते के लिए जरूरी है, अगर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सहमति किसी भी रिश्ते में क्या मायने रखती है, अगर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एक दूसरे की सीमाओं को रिस्पेक्ट करना या फिर एक अच्छा वार्तालाप एक अच्छे रिश्ता कैसे बना सकता है, हाँ और ना कहने की समझ, ये सारी चीजें जो है, एम्पथी, अंडरस्टैंडिंग, इतनी जरूरी लाइफ स्किल्स हैं. And I think it is absolutely important कि हम ये सोच सकें कि जब हम 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स की बात करते हैं तो हम क्यों उसमें कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शुअलिटी एजुकेशन को नहीं जोड़ते हैं. ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं ये करने से? क्या हमें ये लगता है कि इससे यंग लोग ज्यादा सेक्स करने लगेंगे या फिर ये हमारे समाज के खिलाफ है? कौन तय करता है ये? और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो एक्चुअली एक अच्छे जीवन की जो जो पहलू होता है उससे वो लोग वंचित रह जाएंगे.